मैंने आपसे कहा था ना, अरुण ने अपना बिजनेस अलग कर लिया है, आपको भी कुछ करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं होगा ना, तो लोग बंगले को बेचने का सोचेंगे और सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वही तो सोच रहा हूं सुभद्रा, क्या करूं। बहुत शर्म आती है मुझे, इतनी कोशिशें करने के बाद भी कुछ हो क्यों नहीं रहा। हो जाएगा, हो सकता है ऊपर वाला हमारा इम्तिहान ले रहा हो। ये इम्तिहान कब खत्म होगा? मरने के बाद मार्केट में कोई हमें पैसे देने को तैयार नहीं, कहां से लाएंगे ये सब पैसे, समझ नहीं आ रहा। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपसे एक बार कहा था ना कि राज ने अरुण की मदद की थी, आप भी उससे मदद मांग लीजिए। उसकी मार्केट में अच्छी खासी जान पहचान है, आप उससे बात करके तो देख लो। कहा तो था कि अगर आपको कभी मेरी मदद की जरूरत हो, फाइनेंस की जरूरत हो, तो बताना, मैं आपकी मदद करूंगा। उसके पास एक आदमी है जो बिना गारंटी को पैसा देने को तैयार है। हाँ। और आज के जमाने में बिना गारंटी पैसा कौन देगा? 50 लाख रुपए? कोई बड़ी बात नहीं, मैं 50 लाख गया तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। भाई मैं तो ऐसा आदमी चाहता हूँ जो सच्चा हो, ईमानदार हो और अपना बिजनेस ईमानदारी से करता हूँ। मार्केट में मैंने तुम्हारा काफी नाम सुना है। ये और बात है कि बीच में बिजनेस में लॉस होने की वजह से तुम्हारी कंडीशन खराब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। दे देंगे बिल्कुल। एक बात है, मेरे पास गारंटी के लिए कोई नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर्टी है। मिस्टर राजेश, राज ने तुम्हें यहाँ भेजा, सबसे बड़ी गारंटी तो वही है। राज कह रहा था कि आपकी कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें कुछ नहीं है, दरअसल मैंने कुछ पेपर्स तैयार करवाए हैं जी, उन्हें तुम्हें साइन करने होंगे। घबरा गए? घबराओ नहीं, उसे तुम भी पढ़ सकते हो। उसमें तो सिर्फ इतना लिखा है कि मैं हर महीने इंटरेस्ट चुकाऊंगा और 5 सालों के बाद अगर मुझे मेरे 50 लाख रुपए नहीं मिले तो उसके बाद मैं कभी भी कोई भी कदम उठा सकता हूं जिसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इतनी मेहनत करूंगा, 5 साल क्या, मैं 2 साल में ही ये रुपया लौटा दूंगा। वेरी गुड, तो फिर लो ये एग्रीमेंट पढ़ो जी। जब तक तुम इस पे नजर मारो मैं रुपए लेके आता। पचास लाख रुपए हैं, वो भी कैश। एग्रीमेंट पढ़ लिया? हाँ, बस नजर मारने काफी है। बिजनेस में कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए मिस्टर राजेश। आप मुझ पर इतना बड़ा विश्वास कर रहे हैं, 50 लाख रुपए बिना किसी गारंटी के दे रहे हैं, तो क्या मैं इतना विश्वास नहीं कर सकता आप पर? और फिर जहां राज इन्वॉल्व हो तो उससे बड़े विश्वास की बात क्या हो सकती है। लो फिर साइन करो। एक मिनट, साइन करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वरना बाद में तुम कहोगे कि मुझे खबर नहीं थी, इन लोगों ने मुझे फंसा दिया। दरअसल मेरे भाई रंजीत ने कत्ल किया था और उसके चश्मदीद गवाह तुम्हारे पिताजी विशंबरनाथ दीवान है। उस केस में आप इन्वॉल्व हैं? हाँ, और अब वो केस सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है, तो तुम समझ रहे होंगे तुम्हारे पिताजी की और मेरी है दुश्मनी। आगे चलकर ये दुश्मनी कोई भी रूप ले सकती है ना। मैं ये चाहता हूं कि तुम इस दुश्मनी को बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होने दोगे। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आती है, साइन करो तो पहले। अगर ये दुश्मनी आपकी और बाबूजी के बीच में है और मेरे उसूल के हिसाब से आपस की दुश्मनी बिजनेस में नहीं आनी चाहिए। यह आपका नहीं, बिजनेस का उसूल है। ये मैटर आपके बाबूजी के बीच में है, तो अगर आप उसे बीच में नहीं लाएंगे तो मैं भी नहीं लाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी बात तो होगी ही नहीं। तुम अपने बाबूजी से बताने ही मत कि तुमने रुपए मुझसे लिए। हाँ, जब रुपए का इंतजाम हो जाए मुझे लौटा देना, किसी को मालूम ही नहीं होगा। करेक्ट, ये भी ठीक कहा आपने।
ये लीजिए। शुक्रिया। तो मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं चलता हूं। एक मिनट मिस्टर राजेश जी, अभी तक हमारी बिजनेस की बातें चल रही थी, आप कुछ पर्सनल बातें हो जाएं? कहिए ना। देखो तुम ये मत समझना कि बिजनेस को और इस बात को मैं एक ही तराजू में तोल रहा हूं। बिजनेस की बात को मैंने साइड में रख दी। तो अब तक मैं बात कर रहा था बिजनेसमैन राजेश नाथ दीवान के साथ, करेक्ट? जी। लेकिन अब मैं बात करूंगा विशम्मा नाथ दीवान के बेटे राजेश नाथ दीवान के साथ। देखो मिस्टर राजेश, औलाद का सुख ही सबसे बड़ा सुख होता है, और मैंने अपने भाई रंजीत को औलाद की तरह ही पाला पोसा। इस शहर का मैं इतना बड़ा वकील हूं, और मेरे रहते मेरा भाई जेल में सड़ता रहे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम कोशिश करो कि अपने पिताजी को समझाओ कि वो अपना बयान वापस ले। उसके बाद मैं उन्होंने बयान क्यों दिया, किस लिए दिया, क्या दिया, वो सब संभाल लूंगा। लेकिन हाँ, अगर वो ना माने या ये काम आपसे हैंडल ना हो तो घबराना नहीं, आप बिजनेस देखना, बाकी तुम्हारे पिताजी और हम आपस में देखते हैं। क्यों ऐसा नहीं होगा? जब आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है तो क्या मेरा कुछ फर्ज नहीं बनता क्योंकि मैं भी कुछ करूं? और मैं जरूर करूंगा। बाबूजी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। अच्छा? अब हमारे दुख के दिन खत्म, अच्छे दिन शुरू हो गए। इतना बड़ा बिजनेस करेंगे कि फिर से हम अपने पुराने बंगले में चले जाएंगे, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई। अचानक क्या हो गया? कौन सी खुशी मिल गई? बाबूजी मुझे फाइनेंस मिल गया है, पूरे 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए? आज तक तो तू 10 लाख रुपए के लिए मारा मारा फिर रहा था, वो भी कोई देने के लिए तैयार नहीं था। अचानक ये 50 लाख रुपए देने वाला कौन सा मसीहा मिल गया तुम्हें? बाबू जी उसे मसीहा ही समझिए, उसने ये रुपए बिना किसी गारंटी के दिए, और वो भी कैश। एक बात कहूं? जी बोलिए। पहले ये बता कि वो आदमी कौन है। वो मेरा एक दोस्त है, आप उसे जानते नहीं है। कोई भी हो लेकिन 50 लाख रुपए एक ही दिन में, और वो भी कैश, और वो भी बिना गारंटी के, बात मेरी समझ में नहीं आई। कहीं इस 50 लाख रुपए के पीछे उसका कोई मकसद तो नहीं? कोई मकसद नहीं है बाबूजी, और अगर है भी तो हमें क्या उसे लेना देना? हमें तो बिजनेस करना है और हर महीने उसको इंटरेस्ट देते रहना है, और 5 साल के बाद ये 50 लाख रुपए वापस करने हैं। बाबूजी एक बार मार्केट में मैं जम जाऊं ना, फिर देखिए इस बिजनेस में 4 चांद लगा दूंगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, दिन दुगनी रात चौगुनी तो उन्नति करे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। बाबूजी हमारी जो पोजीशन है ना, उसमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, हमें रुपए चाहिए और वो मिल गए। ठीक है, मैं ना कैसे कह सकता हूं, तुम्हें जो बेहतर लगे तुम वही करो, तुम घर में बड़े हो, समझदार हो, जो कुछ भी करोगे समझ के करोगे। तुम बिजनेस शुरू करो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है, 50 लाख रुपए मिल गए, अब हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा, हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। पता है ये सब किस लिए हुआ? किस लिए? मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे घर वालों की परेशानियां दूर कर दे, मेरे पति को तरक्की दे दे। भगवान ने मेरी सुन ली। सुना है भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। ये तुम्हारे भगवान की वजह से थोड़ी हुआ, इसमें मेरी मेहनत भी शामिल है। अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते ना घर पे तो कुछ नहीं होता। भगवान ये थोड़ी कहता है घर पे बैठे और निवाला मैं तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। इसमें मेरी मेहनत शामिल है, और मैंने अपने दोस्त से मदद जो मांगी है उसकी वजह से सब हुआ है। अरे वाह,
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पैसे आते ही नास्तिक वाली बात कर रहे हैं आप? ये सब भगवान की वजह से हुआ है। अगर भगवान नहीं होता तो आपको 50 लाख रुपए भी नहीं मिलते। डेढ़ साल से हम लोग परेशान हैं। तब आपका दोस्त कहाँ गया था? तब उसने क्यों नहीं मदद की? भगवान जब तक जो बात नहीं चाहेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अच्छा बाबा, मुझे भगवान की बदौलत रुपए मिले, लेकिन अब अपने भगवान से ये कहो कि मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ ना, उसमें मुझे नुकसान ना हो, तरक्की पे तरक्की होती जाए और हमारे पुराने दिन वापस लौट आए। मैं तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पुराने दिन वापस आ जाए, इस घर में खुशियाँ वापस आ जाए। अच्छा एक बात बताइए, वो कौन सा दोस्त है आपका जिसने इतनी बड़ी रकम आपको दे दी? अरे भाई तुम आम खाओ, पेड़ गिनने क्या फायदा। फिर भी बताइए ना। ये आदत बहुत खराब है औरतों की, ये सवाल करना अगर छोड़ देना तो मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाने लायक हो जाएंगी। कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सवाल पूछना बंद कर दो। क्यों नहीं पूछो? कल कोई भगवान ना करे कुछ उच्च नीच हो जाए तो? बुरे वक्त में पत्नियां ही पति के काम आती हैं। देखो महिम साहब, इस वक्त पति और पत्नी की लड़ाई का नहीं है बल्कि मिलकर काम करने का है। इस वक्त हमें अपनी तरक्की के बारे में सोचना है, अपना वक्त अपने बिजनेस में लगाना है, ना कि ये सोचना कि पैसे कहां से आए। जिस तरह से मैं उसे पैसे लेकर आया हूं उसी तरह मैं उसे पैसे लौटा भी दूंगा। लेकिन आप उसका नाम क्यों नहीं बताते? नाम बताने में अर्ज ही क्या है? वो बहुत ही दयालु आदमी है, दानवीर कर्ण है वो, बहुत अच्छा आदमी है, उसने बस मेरी मदद की है। अब उसने कहा है कि मैं उसका नाम नहीं बताऊं किसी को, इसीलिए मैं जरा चुप हूं इस बारे में। देखो ये कैश का मामला है, इसीलिए उसने कहा है कि मैं इसका जिक्र किसी से करूं नहीं, उसका नाम किसी को ना बताऊं। अब इनकम टैक्स का लफड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखा, मैंने कहा ना कोई जरूर बात होगी। उसने इनकम टैक्स बचाने के लिए आपको पैसे दिए। मैं बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम हो कि एक नया सवाल उठाकर बात को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। पैसे मिल गए ना, अब और सोचना बंद कर दो। मैं इस किसी गलत रास्ते से नहीं लेकर आया हूं। ठीक है बाबा, लेकिन बिजनेस कौन सा शुरू करोगे? अपना वही केमिकल का पुराना बिजनेस। कैसे करोगे? तब तो सब भाई मिलके कर रहे थे, अब क्या अकेले ही करोगे? भाई अरुण का तो अपना बिजनेस है, मैं सुमित को साथ मिला लेता हूँ और जब बिजनेस में तरक्की होगी तो अरुण को भी शामिल कर लूंगा। हाँ ये ठीक है, सुमित और आप मिलकर ही बिजनेस शुरू कर दो। भैया भाभी ठीक ही कहती हैं, भगवान की मर्जी से सब कुछ हुआ है। हमने कहाँ कहाँ हाथ नहीं मारा, किन किन लोगों से पैसे नहीं मांगे, यहाँ तक कि हमारे अपनों ने भी हमें पैसे देने से इनकार कर दिया। ये जो कुछ हुआ है चमत्कारी है। ठीक है, ये चमत्कार ही है। अब मैंने सोच लिया कि जल्दी ही बिजनेस शुरू कर देना। भैया हमें तो मार्केट में लोग जानते ही हैं, और जब लोगों को ये पता चलेगा कि हम उसी पुरानी कंपनी के नाम से बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हमारे पुराने क्लाइंट भी वापस आ जाएंगे। लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे पास रुपए आ गए हैं तो और लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। बस अब जल्दी ही प्लानिंग शुरू कर देनी है। आज ही ऑफिस ले लेते हैं और पुराने क्लाइंट से मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन भैया ये बिजनेस सिर्फ हम दोनों कर रहे हैं क्या? हाँ क्यों, इसमें हर्ज क्या है? भाई अरुण का तो अपना बिजनेस चल रहा है ना, अच्छा खासा चल रहा है। अब उसे उसके बिजनेस से हटाकर अपने बिजनेस में शामिल करें, भगवान ना करे हमारे बिजनेस से कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। जब हमारा बिजनेस जम जाएगा तब हम उसे शामिल कर लेंगे। ठीक है भैया, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि कहीं लोग ये ना कहें कि भाई अलग अलग हो गए हैं। हम भाई कभी अलग अलग हो सकते हैं क्या? बिजनेस अलग अलग है तो दिल तो एक है, कभी ऐसा सोचना भी नहीं। ठीक है भैया, तो आज से क्यों अभी से ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं? बेटे ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा बिजनेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। पर ये कोई मजाक थोड़ी ही है कि कोई 50 लाख रुपया ऐसे उठा के दे दे। हाँ माँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। जानता है तो पूछता क्यों नहीं कि किसने रुपए दिए? कह रहा था किसी दोस्त ने दिए, मेरे लाख पूछने पर भी उसने अपने दोस्त का नाम नहीं बताया। नहीं बताया तो उसमें कोई बात जरूर है। आज तक तुमसे उसने कोई बात छुपाई नहीं, यही क्यों छुपा रहा है? उस आदमी का नाम क्यों नहीं बता रहा? इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर है। हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, नाम छुपाने की क्या जरूरत है? अगर दोस्त है तो बता देता दोस्त का नाम, मैं अधिकतर उसके सारे दोस्तों को जानता हूँ।
बेटे हम उससे बड़े हैं, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो हमारे लिए छोटा है, हमारा तजुर्बा ज्यादा है, सही सलाह देना हमारा फर्ज है। मुझे तो शक हो रहा है हमसे छुपकर वो कोई गलत फैसला कर रहा है, तू पूछ उससे। अब कैसे पूछूं? उसने तो साफ इनकार कर दिया था, अब दोबारा पूछूंगा तो हो सकता है मना कर दे। जिससे उसने रुपए लिए हैं उसने एग्रीमेंट तो बनाया ही होगा ना? हाँ एग्रीमेंट तो बनाया है। तो उससे कह कि एग्रीमेंट बता दे, और अगर नहीं बताता तो मैं उससे कान पकड़कर पूछूंगी। जा एग्रीमेंट देख ले, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और अगर राजेश एग्रीमेंट नहीं बताता तो ये समझ लेना कि राजेश ने जिससे 50 लाख लिए हैं वो आदमी गलत है, वो एग्रीमेंट गलत है। राजेश ने इस 50 लाख रुपए के बदले में कोई बहुत बड़ा सौदा किया है। ठीक है मां, मैं अभी उससे जाकर पूछता हूं।